मित्रों, आज हमारी नई विधानसभा के गठन के बाद, कृपाणा से मंत्रिमंडल के गठन के बाद पहली मंत्रिमंडल बैठक हुई है, जिसमें अभी तो हमारा दो सदस्यीय मंत्रिमंडल ही है, लेकिन पहली औपचारिक बैठक करना कम से कम एक विषय के लिए आवश्यक था, तो वो हमने किया है, और वो है अगला सेशन इसको बुलाने के लिए एक रिकमेंडेशन हमने की है कि 4 तारीख को पहला सेशन विधानसभा का ये बुलाया जाए। 2 बजे के लिए हमने रिकमेंड किया है, और गवर्नर साहब ने ये पत्र लिखा है कि वो मीटिंग बुलाएं, और जिसमें औपचारिक जितने कार्यक्रम हैं, विधायकों की शपथ, स्पीकर महोदय का चुनाव, ये सब विषय उसमें होंगे, और वो कितने दिन की अनुमति मिलती है वो हिसाब तय करेंगे। उसी के साथ हमने एक प्रकार से इस चुनाव का एक सफल आयोजन चुनाव आयोग ने किया है, और ये ऐसा लगता है कि चुनाव इतना शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी दुर्घटना के संपन्न हुआ है। इसमें चुनाव आयोग का तो आभार प्रकट करते ही हैं, हरियाणा की जनता का भी हम आभार प्रकट करते हैं, जो गवर्नमेंट मशीनरी है जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से इस चुनाव को संपन्न कराया है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। एक प्रकार से एजेंडे की तो 2 ही आइटम थी, इसके अतिरिक्त भी हमने जो बातें आपस में तय की हैं उसके अंदर अभी आजकल जैसे पराली जलाने का जो विषय पिछले साल भी ध्यान में आया, इस साल भी उनको ध्यान में आया है, अब किसानों को पराली न जलाई जाए, इसके लिए बहुत सी सब्सिडी भी दे रहे हैं, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। आज हमने विचार किया कि उसके लिए डी कम्पोजर जो दवाई आती है, जिससे किसान पराली को खेत के अंदर ही उसको उपयोग कर ले, उसकी बुहाई बहाई के साथ साथ उसका उपयोग करे, तो डी कम्पोजर में हम उनको सब्सिडी दे करके उसकी कल योजना बनाएंगे, उसकी घोषणा करेंगे, कुल जो उसकी कीमत लगती है उसमें आधा या ज़्यादा तो सब्सिडी दी जाए, ताकि वो उसको डाल करके और अंदर ही उसको जलाने की बजाय उसको अंदर ही हल जला कर उसका खाद बनाकर उसका उपयोग करें। एक विषय जैसे एचटेट की परीक्षा अगले महीने, एचटेट की परीक्षा के लिए जिससे पहले भी सीट दिया था, विद्यार्थियों को परीक्षा बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, 250-300 किलोमीटर, उसका मुख्य हेतु है कि भी नकल रोकी जाए, लेकिन एजुकेशन बोर्ड ने सहमति दी है कि हम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट या उसी डिस्ट्रिक्ट 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर ये परीक्षा कराने का प्रावधान हम करेंगे। तो इस बार की जो परीक्षा के टेबल में जो केंद्र तय किए जाएंगे वो 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर तय किए जाएंगे। तीसरा एक विषय जो अभी ध्यान में आया, इन दिनों में चुनाव के दिनों के अंदर प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है, और धान की प्रोक्योरमेंट में भले ही हमारा टारगेट जितने तय किए थे पिछली प्रोक्योरमेंट के हिसाब से, वो टारगेट से भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, फिर भी हरियाणा के कई जगह के किसान थोड़ा देरी से जहाँ फसल होती है वो भी मंडी में आ रहे हैं। हमने तय किया कि हरियाणा के किसान का एक एक दाना फसल का, धान का जो खास करके अभी चल रही है या फिर और भी जो फसलें हरियाणा के किसान की प्रोक्योरमेंट, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आने देंगे, एक एक दाना उसका खरीदा जाएगा। ऐसे मुख्य रूप से 3 विषय और आपके ध्यान तक रखना। कमेटी बनाने की बात थी, कॉमन मिनिमम अभी हमारी बातचीत चल रही है, तो उसमें अंदर फिर बैठेंगे, लगातार बैठ करके कुछ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये कैबिनेट का एजेंडा नहीं है, आपसी सहमति पर मंत्रिमंडल विस्तार सभी बदल बताया ना कि हम आपस में बैठ करके एक एक चीज़ को तय करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे सब चीज़ें। आज की जो बातें थी आपको बता दी, बाकी फिर बहुत विधानसभा का पहला स्तर कब तक आ जाएगा, अभी जितना एजेंडा है आवश्यक वो बता दिया कि उसमें विधायकों की शपथ और गवर्नर एड्रेस, स्पीकर साहब का चुनाव और गवर्नर एड्रेस के ऊपर चर्चा, प्रस्ताव वो जितने समय में पूरा होगा। सर हमेशा विपक्ष में रहते थे, इकट्ठा बैठने होता, आज अनुभव कैसा रहा मीटिंग का पहला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर जी कुछ बोलेंगे? दुष्यंत जी बोल दिए, यही समझ में, ऐसा ही समझ में आया। सीएम साहब, सीएम साहब, मित्रों आज हमारी इस नई विधानसभा के गठन के बाद, एक प्रकार से मंत्रिमंडल के गठन के बाद
पहली मंत्रिमंडल बैठक हुई है जिसमें अभी तो हमारा दो सदस्यीय मंत्रिमंडल ही है, लेकिन पहली औपचारिक बैठक करना कम से कम एक विषय के लिए आवश्यक था तो वो हमने किया है, और वो है अगला सेशन इसको बुलाने के लिए एक रिकमेंडेशन हमने की है कि 4 तारीख को पहला सेशन विधानसभा का ये बुलाया जाए। 2 बजे के लिए हमने रिकमेंड किया है और गवर्नर साहब ने ये पत्र लिखा है कि वो मीटिंग बुलाएं और उसमें औपचारिक जितने कार्यक्रम हैं, विधायकों की शपथ, स्पीकर महोदय का चुनाव, ये सब विषय उसमें होंगे। वो कितने दिन की अनुमति मिलती है वो हिसाब तय करेंगे। उसी के साथ हमने एक प्रकार से इस चुनाव का एक सफल आयोजन चुनाव आयोग ने किया है, और ये ऐसा लगता है कि जो चुनाव जितना शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी व्यवधान के बिना किसी दुर्घटना के संपन्न हुआ है, इसमें चुनाव आयोग का तो आभार प्रकट करते ही हैं, हरियाणा की जनता का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी है जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से इस चुनाव को संपन्न कराया है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। एक प्रकार से एजेंडे की तो 2 ही आइटम थी, इसके अतिरिक्त भी हमने जो बातें आपस में तय की हैं उसके अंदर अभी आजकल जैसे पराली जलाने का जो विषय पिछले साल भी ध्यान में आया, इस साल भी उनको ध्यान में आया है, अब किसानों को पराली न जलाई जाए इसके लिए बहुत सी सब्सिडी भी दे रहे हैं, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। आज हमने विचार किया कि उसके लिए डी कम्पोजर जो दवाई आती है जिससे किसान पराली को खेत के अंदर ही उसको उपयोग कर ले, उसकी बुहाई के साथ साथ उसका उपयोग करे, तो डी कम्पोजर में हम उनको सब्सिडी दे करके उसकी कल योजना बनाएंगे, उसकी घोषणा करेंगे कि कुल जो उसकी कीमत लगती है उसमें आधा या आधे से ज़्यादा कोई सब्सिडी दी जाए, ताकि वो उसको डाल करके और अंदर ही उसको जलाने की बजाय उसको अंदर ही हल चला करके उसका खाद बनाकर उसका उपयोग करें। एक विषय जैसे एचटेट की परीक्षा अगले महीने होगी, एचटेट की परीक्षा के लिए जिससे पहले भी सिटमेंट दिया था विद्यार्थियों को, तो परीक्षा बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, 150-300 किलोमीटर, उसका मुख्य हेतु है कि भी नकल रोकी जाए, लेकिन एजुकेशन बोर्ड ने सहमति दी है कि हम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट या उसी डिस्ट्रिक्ट 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर ये परीक्षा कराने का प्रावधान हम करेंगे। तो इस बार की जो परीक्षा के टेबल में जो केंद्र तय किए जाएंगे वो 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर तय किए जाएंगे। तीसरा एक विषय जो अभी ध्यान में आया, इन दिनों में चुनाव के दिनों के अंदर प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है, और धान की प्रोक्योरमेंट में भले ही हमारा टारगेट जितने तय किए थे पिछली प्रोक्योरमेंट के हिसाब से, वो टारगेट से भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, फिर भी हरियाणा के कई जगह के किसान थोड़ा देरी से जहाँ फसल होती है वो भी मंडी में आ रहे हैं। हमने तय किया कि हरियाणा के किसान का एक एक दाना फसल का, धान का जो खास करके अभी चल रही है या फिर और भी जो फसलें हरियाणा के किसान की प्रोक्योरमेंट, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आने देंगे, एक एक दाना उसका खरीदा जाएगा। ऐसे मुख्य रूप से 3 विषय और आपके ध्यान तक रखना। कमेटी हमारी बातचीत चल रही है तो उसमें अंदर फिर बैठेंगे, लगातार बैठ करके कुछ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये कैबिनेट का एजेंडा नहीं है, वापसी सहमति मंत्रिमंडल विस्तार सभी मतलब बताया ना कि हम आपस में बैठ करके एक एक चीज को तय करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे सब चीजें। आज की जो बातें थी आपको बता दी, बाकी फिर बहुत अभी जितना एजेंडा है आवश्यक वो बता दिया कि उसमें विधायकों की शपथ और गवर्नर एड्रेस, स्पीकर साहब का चुनाव और गवर्नर एड्रेस के ऊपर चर्चा, प्रस्ताव वो जितने समय में पूरा होगा उतना। सर हमेशा विपक्ष में रहते थे, इकट्ठा बैठने होता आज अनुभव कैसा रहा मीटिंग का पहला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कृष्ण जी कुछ बोलेंगे? कृष्ण जी बोल दिया, यही समझ में, ऐसा ही समझ में आया सीएम साहब। सीएम साहब आप ही यार मित्रों, आज शुरू हो गई हमारी इस नई विधानसभा के गठन के बाद, एक प्रकार से मंत्रिमंडल के गठन के बाद पहली मंत्रिमंडल बैठक हुई है जिसमें अभी तो हमारा 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल ही है, लेकिन पहली औपचारिक बैठक करना कम से कम एक विषय के लिए आवश्यक था तो वो हमने किया है, और वो है अगला सेशन इसको बुलाने के लिए
एक रिकमेंडेशन हमने की है कि 4 तारीख को पहला सेशन विधानसभा का ये बुलाया जाए, 2 बजे के लिए हमने रिकमेंड किया है और गवर्नर साहब ने ये पत्र लिखा है कि वो मीटिंग बुलाएं और जिसमें औपचारिक जितने कार्यक्रम हैं, विधायकों की शपथ, स्पीकर महोदय का चुनाव, ये सब विषय उसमें होंगे और वो कितने दिन की अनुमति मिलती है वो हिसाब तय करेंगे। उसी के साथ हमने एक प्रकार से इस चुनाव का एक सफल आयोजन चुनाव आयोग ने किया है और ये ऐसा लगता है कि जो चुनाव जितना शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी व्यवधान के बिना किसी दुर्घटना के संपन्न हुआ है, इसमें चुनाव आयोग का तो आभार प्रकट करते ही हैं, हरियाणा की जनता का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी है जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से इस चुनाव को संपन्न कराया है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। एक प्रकार से एजेंडे की तो दो ही आइटम थी, इसके अतिरिक्त भी हमने जो बातें आपस में तय की हैं उसके अंदर अभी आजकल जैसे पराली जलाने का जो विषय पिछले साल भी ध्यान में आया, इस साल भी उनको ध्यान में आया है, अब किसानों को पराली न जलाई जाए इसके लिए बहुत सी सब्सिडी भी दे रहे हैं, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। आज हमने विचार किया कि उसके लिए डी कम्पोजर जो दवाई आती है जिससे किसान पराली को खेत के अंदर ही उसको उपयोग कर ले, उसकी बुहाई के साथ साथ उसका उपयोग करे, तो डी कम्पोजर में हम उनको सब्सिडी दे करके उसकी कल योजना बनाएंगे, उसकी घोषणा करेंगे कि कुल जो उसकी कीमत लगती है उसमें आधा या ज़्यादा कोई सब्सिडी दी जाए ताकि वो उसको डाल करके और अंदर ही उसको जलाने की बजाय उसको अंदर ही हल चला करके उसका खाद बनाकर उसका उपयोग करें। एक विषय जैसे एचटेट की परीक्षा अगले महीने होगी, एचटेट की परीक्षा के लिए जिससे पहले भी सिटमेंट दिया था विद्यार्थियों को, तो परीक्षा बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, 150-300 किलोमीटर, उसका मुख्य हेतु है कि भी नकल रोकी जाए, लेकिन एजुकेशन बोर्ड ने सहमति दी है कि हम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट या उसी डिस्ट्रिक्ट 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर ये परीक्षा कराने का प्रावधान हम करेंगे। तो इस बार की जो परीक्षा के टेबल में जो केंद्र तय किए जाएंगे वो 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर तय किए जाएंगे। तीसरा एक विषय जो अभी ध्यान में आया, इन दिनों में चुनाव के दिनों के अंदर प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है और धान की प्रोक्योरमेंट में भले ही हमारा टारगेट जितने तय किए थे पिछली प्रोक्योरमेंट के हिसाब से वो टारगेट से भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, फिर भी हरियाणा के कई जगह के किसान थोड़ा देरी से जहाँ फसल होती है वो भी मंडी में आ रहे हैं। हमने तय किया कि हरियाणा के किसान का एक एक दाना फसल का, धान का जो खास करके अभी चल रही है या फिर और भी जो फसलें हरियाणा के किसान की प्रोक्योरमेंट, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आने देंगे, एक एक दाना उसका खरीदा जाएगा। ऐसे मुख्य रूप से 3 विषय और आपके ध्यान में कराने कमेटी बनाने की बात थी, कॉमन मिनिमम ये हमारी बातचीत चल रही है तो उसमें अंदर फिर बैठेंगे, लगातार बैठ करके कुछ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये कैबिनेट का एजेंडा नहीं है, आपसी सहमति मंत्रिमंडल विस्तार सभी मतलब बताया ना कि हम आपस में बैठ करके एक एक चीज को तय करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। आज की जो बातें थी आपको बता दी, बाकी फिर बहुत विधानसभा सर अभी जितना एजेंडा है आवश्यक वो बता दिया कि उसमें विधायकों की शपथ और गवर्नर एड्रेस, स्पीकर साहब का चुनाव और गवर्नर एड्रेस के ऊपर चर्चा, प्रस्ताव वो जितने समय में पूरा होगा उतना। सर हमेशा विपक्ष में रहते थे, इकट्ठा बैठने होता, आज अनुभव कैसा रहा मीटिंग का पहला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुशल जी कुछ बोलेंगे? कुशल जी बोल दिया, यही समझ में, ऐसा ही समझ में आया। सीएम साहब,